वर्ल्ड ज्योग्राफी वन लाइनर सीरीज के अंडर आज हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड एंड टाइम के बारे में। तो देखिए, आप सोचेंगे हम तो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स पढ़ रहे थे, तो ये वही टॉपिक है। लॉन्गिट्यूड में थोड़ा डेप्थ में आज हम स्टडी करेंगे, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। अगर आपने प्रीवियस दो वीडियोज नहीं देखी हैं, आपको समझ नहीं आएगा, बट अगर आपको अच्छी नॉलेज है, आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, हाँ, तब तो आपके लिए काफी ईजी रहेगा। पर उन्होंने जिन्होंने नहीं देखी है, जिनको नहीं पता, उनको मैं बता दूं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी वन लाइनर की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट पॉइंट आता है, प्लेसेस दैट आर ऑन द सेम मेरिडियन हैव द सेम लोकल सन टाइम। मेरिडियन क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। मेरिडियन एंड लॉन्गिट्यूड सेम ही चीज है, एक ही चीज को हम दो नामों से जानते हैं। नाउ मेरिडियन क्या होता है, नॉर्थ पोल से इमेजिनरी लाइन जो साउथ पोल तक पहुंचती है इक्वेटर को कट करते हुए, उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड या मेरिडियन। अब एक मेरिडियन पे बहुत सारी लोकेशंस होती हैं, यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे हर जगह, हर एक लोकेशन पे अलग अलग जगह है। तो एक मेरिडियन के ऊपर जितने भी प्लेसेस लाई करती हैं वो सब सेम टाइम को फॉलो करते हैं, लोकल सन टाइम जो है उनका सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल, 12 बज रहे हैं दिन के ए पे अगर, तो सी पे भी दिन के 12 ही बज रहे होंगे, ये मतलब है, ठीक है। अब हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे दिन के 12 बज रहे हैं, तो 20 डिग्री पे कितने बज रहे होंगे, 20 डिग्री ईस्ट पे कितने बज रहे होंगे, 20 डिग्री वेस्ट में क्या टाइम हो रहा होगा, वो हमें पढ़ना है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के थ्रू भी समझाऊंगी, बट उसके लिए पहले बेसिक कंसेप्ट पढ़ना जरूरी है, ट्रिक जानना जरूरी है, उसके बाद हम डायरेक्टली फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ अर्थ, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, रेवोल्यूशन नहीं रोटेशन आएगा, आपने रोटेशन लिखना है। वैसे रेवोल्यूशन डिस्कस करती हूँ क्या होता है, रेवोल्यूशन का मतलब होता है चक्कर लगाना। जैसे अर्थ है वो किसके अराउंड चक्कर लगाती है, सन के अराउंड रेवोल्यूशन लेती है, तो 365 दिन उसको लगते हैं एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, जिसका बनता है एक साल। रोटेशन क्या होता है, अपने एक्सिस पे चक्कर लगाना। फॉर एग्जाम्पल, ये सन की एक्सिस है और ये सॉरी अर्थ की एक्सिस है और इसके अराउंड अर्थ इस तरह से चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे रोटेशन। नाउ अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट करता है 24 घंटों में, 24 आवर्स में, जिसका मतलब है एक रोटेशन। अब कोई भी आप सर्कुलर चीज ले लीजिए, अगर आप बॉल लेते हैं तो उसको देखिए, अगर वो एक रोटेशन कैसे कंप्लीट करेगा, मतलब 360 डिग्री पूरा घूमेगा, है ना। तो यानी कि अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट करती है 24 घंटों में, इसका मतलब है कि वो 360 डिग्री घूमती है 24 घंटों में। अब हमें पता करना है कि एक डिग्री कितने टाइम में घूमती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। हमने पढ़ा 360 डिग्री घूमती है 24 घंटों में, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बेसिक सा आई बिलीव आप कर लेंगे, क्योंकि सीसेट भी तो साथ में करना ही होता है ना। नाउ 360 डिग्री इक्वल है 24 × 60 मिनट्स, आर्स को हमने मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नाउ हम यहां से फिर 1 डिग्री निकालेंगे तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा, कैलकुलेट करेंगे 4 मिनट्स आ जाएगा। इसका मतलब ये है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स का मतलब ये है कि एक डिग्री अर्थ रोटेट करती है 4 मिनट्स में, 4 मिनट्स में, तभी वो एक पूरी रोटेशन कंप्लीट करती है 24 घंटों में। अब एक डिग्री रोटेट करती है 4 मिनट्स में, ये आपने रटना है, ठीक है। ये सब अगर आपको बेसिक से समझ आता है, अंडरस्टैंडिंग है, तो आप इसको भूल भी जाओ चलेगा, क्योंकि आप पेपर में कर लोगे ये वाला काम। जिनको प्रॉब्लम होती है वो याद कर लो, एक चार ऐसे करके याद कर लो कि अर्थ एक डिग्री रोटेट करती है 4 मिनट्स में, 4 मिनट्स में। एक चीज ये हो गई, दूसरी चीज है अर्थ की रोटेशन कैसी रहती है। याद रखना हमेशा, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। अब दो तरीके हो सकते हैं, या तो अर्थ ऐसे रोटेट करे या अर्थ ऐसे रोटेट करे, ठीक है। नाउ वेस्ट से ईस्ट की ओर चलती है, तो हम डायरेक्शंस कैसे पढ़ते हैं, ऐसे प्लस का साइन बनाते हैं, यहाँ ईस्ट है, यहाँ वेस्ट है, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, ठीक है। तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, वेस्ट से ईस्ट की ओर इधर घूमेगी, फिर वापस जाएगी, फिर घूमेगी, फिर वापस जाएगी, इस तरह से घूमती है। और सन हम क्या पढ़ते हैं कि हमेशा सन ईस्ट पे राइज होता है, तो यही रीजन है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, हमारी अर्थ इस तरह से घूम रही है ना। तो इसीलिए जो जो लोकेशन यहां होगी उसको सूरज पहले दिखेगा, फिर ये वाली लोकेशन आपकी यहां पहुंच जाएगी, ये वाली यहां पहुंच जाएगी, तो उस टाइम पे इसको दिखेगा, समझ रहे ना आप। इसीलिए सूर्योदय हमेशा हम बोलते हैं ईस्ट में होता है, ठीक है जी, क्योंकि अर्थ घूमती है, सन नहीं घूमता। ये तो हमारी बोलने की बातें कि सूरज पूर्व में है, सूरज पश्चिम में है, ये वो, लेकिन अर्थ घूमती है ना। पहली चीज थी एक डिग्री रोटेट करती है 4 मिनटों में, दूसरी चीज है अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। सो places east of Greenwich see the sun earlier, whereas the places west of Greenwich see the sun later. इसका मतलब क्या है, Greenwich को हम मानते हैं 0 डिग्री longitude, यानी 0 डिग्री longitude जो है Greenwich से होकर क्रॉस करता है, हम ये बोलते हैं, ठीक है, लंडन में ऑब्जर्वेटरी है वहां से। नाउ इसके जो ईस्ट में होंगे ना प्लेसेस,
ये आपका ग्रीनविच है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके ईस्ट में जो जगहें हैं यहाँ पे सूरज आपको जल्दी दिखेगा, उसके बाद यहाँ आपके जो वेस्ट में है वहां बाद में दिखेगा, ये कंसेप्ट याद रखना है। अब ये भी ज्यादा समझना नहीं, ट्रिक लगा लीजिए, ईस्ट गेन एड वेस्ट लू सब्ट्रैक्ट। क्या याद करना है कि अगर कहीं पे 15 डिग्री ईस्ट पूछ लिया, 25 डिग्री ईस्ट पूछ लिया, कहीं भी ईस्ट लग गया, आपने एड 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 करना है बस। जहां पे वेस्ट पूछ लिया कि हाँ जी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड में 12 बज रहे हैं, तो 50 डिग्री वेस्ट में क्या होगा, वेस्ट में आपने दिमाग में रखना लूज सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस माइनस, ईस्ट में एड एड, वेस्ट में माइनस माइनस, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, आई होप आपको समझ में आ गया है कंसेप्ट। अब हम दो क्वेश्चन यहां पर करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो हमारा है वहां पे 12 बज रहे हैं दिन के, तो 15 डिग्री ईस्ट में क्या टाइम होगा। चलिए करते हैं, पहली चीज यहां पे आ गई, सॉल्यूशन यहां पे है। ईस्ट माने ईस्ट गेन एड, मतलब एड 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 करना है, ईस्ट एड, इतना याद रखो, बाकी सब भूल जाओ। क्या याद रखना था हमें कि 1 डिग्री अर्थ रोटेट करती है 4 मिनटों में, तो 15 डिग्री रोटेट करेगी, 15 इंटू 4 जो हो गया 60 मिनट, 60 मिनट माने 1 घंटा। अब यहां पे क्वेश्चन आता है ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें। अब दो ऑप्शंस आते हैं, या तो दिन के 12 बज रहे हैं ना, तो या तो दिन के 11 बज रहे होंगे या दिन का 1 बज रहा होगा, तो अब हम क्या करें, ईस्ट में करना है ऐड, हमारी ट्रिक बोलती है तो चुपचाप कर दो ऐड। सो अगर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड में दिन के 12 बज रहे हैं, तो 15 डिग्री ईस्ट में क्या टाइम हो रहा होगा, 1 बज रहे होंगे दिन के, ठीक है, 1 घंटा आगे चल रहा होगा। ईस्ट हमेशा 1 घंटा आगे चलता है, वेस्ट जो है वो पीछे चलता है। 1 घंटा आगे नहीं, मतलब जो भी हम कैलकुलेशंस करते हैं उसके हिसाब से हमेशा आगे रहेगा ईस्ट, हमेशा पीछे रहेगा वेस्ट, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड में अगर 12 बज रहे हैं दिन के, तो 80 डिग्री ईस्ट में क्या टाइम होगा। चलिए करते हैं, 1 डिग्री को हम 4 मिनट्स के बराबर मानते हैं, तो 80 डिग्री, 80 गुना 4 हो गए 320 मिनट। हम इनको लिख सकते हैं ना, 300 मिनट जमा 20 मिनट 320 मिनट लिख सकते हैं। तो अब 1 मिनट सॉरी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 300 मिनट कितने घंटों में होंगे, 5 घंटों में, 5 × 60 300, है ना। ये तो आपको बेसिक आना चाहिए, देखिए मैथ्स तो मैं नहीं पढ़ा सकती, है ना। तो 5 आवर्स ये हो गए, प्लस 20 मिनट्स ये हो गए, तो इनको आप लिख सकते हैं ना 5:20 शाम के। अगर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड में दिन के 12 बज रहे हैं, तो 80 डिग्री ईस्ट में शाम के हो रहेंगे 5:20। क्या किया हमने इसमें, ऐड किया, ऐड क्यों, क्योंकि ईस्ट है। अगर कोई वेस्ट का एग्जांपल होता तो हम माइनस कर देते, बस इतना सा काम करना है। अब वेस्ट का एग्जांपल मैं आपके लिए दे रही हूं, ऐसा नहीं सोचना टफ है, करना कुछ भी नहीं, सेम एज इट इज करना है। अब देखिए 12 के जैसे यहां पे हम एग्जांपल लें, 12 बज रहे ना, तो अगर यहां पे वेस्ट होता तो हम 11 बजवा देते, अब यहां पे ईस्ट था तो हमारा आंसर 1 बजे आ गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन आपका है, ये भी बिल्कुल सिंपल दे रही हूं मैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड में 12 बज रहे हैं, तो 70 डिग्री वेस्ट में क्या टाइम होगा, ये आप मुझे बताएंगे। ट्रिक में आपको बता देती हूँ, वेस्ट लूज सब्ट्रैक्ट, वेस्ट माने माइनस माइनस माइनस, तो आपको करना है सिर्फ माइनस, ठीक है। सब कुछ आपको ऐसे करना है, ऐसे आंसर निकालना है, ठीक है, पर माइनस करके। यहां मैंने ऐड किया है ना, 12 में मैंने 5:20 ऐड किए ना, तब शाम के 5:20 हुए, आपने माइनस करना है, बस इतना काम है, ठीक है जी। चलिए इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हुआ कंप्लीट। आई होप मैंने जो पढ़ाया आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। इसी के साथ हमारा जो ये लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ये वाला टॉपिक था, ये हो गया कंप्लीट। आई होप मैंने जो पढ़ाया आप उसके नोट्स बना रहे हैं, मैं बार बार एनकरेज करती हूँ कि नोट्स जरूर बनाएं, देखिए आप ही के लिए बेनिफिशियल रहेंगे, राइट। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखते हैं एक्लिप्सिस पढ़ेंगे या टाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, थोड़ा मुझे स्टडी करना पड़ेगा, फिर उस हिसाब से मैं नोट्स बनाऊंगी एंड देन हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो दैट्स इट एंड सी यू सून।